न्यूज आईएन में आपका स्वागत है। पेश है आज की ताजा खबरें। नैनीसैनी हवाई पट्टी पर 25 जुलाई को होने वाली ट्रायल लैंडिंग में अभी संशय है। उप जिलाधिकारी अनुराग आर्य ने बताया कि नैनीसैनी से पंतनगर और देहरादून के लिए होने वाली उड़ान योजना के तहत 25 तारीख को होने वाली ट्रायल लैंडिंग अभी पूरी तरह पक्की नहीं है, क्योंकि अभी भी पोर्टल पर एयरपोर्ट की डिटेल्स संबंधी कुछ औपचारिकताएं रह गई हैं। बताया कि सोमवार को अगर पोर्टल पर सारी डिटेल अपलोड हो जाएगी तो मंगलवार को ट्रायल लैंडिंग हो सकती है। श्री श्री 1008 स्वामी वीरेंद्रनंद महाराज हिमालयन पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा एशियन स्कूल चौकोड़ी पहुंचे। देवों की इस पवित्र भूमि में स्वामी जी ने महाकाल नर्मदेश्वर 10 महाविद्यालय मंदिर एवं शून्य कुटिया व स्कूल का निर्माण कर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच में अद्भुत कार्य किया है। यहाँ स्वामी जी का भव्य स्वागत किया गया। पिथौरागढ़ में पहली बार उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त निःशुल्क आवासीय शिक्षण संस्थान श्री माँ कामाख्या नर्मदेश्वर संस्कृत विद्यालय कैलाश आश्रम सुआकोट। इस विद्यालय में संस्कृत साहित्य, व्याकरण, ज्योतिष, वैदिक शिक्षा के साथ हिंदी, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, कंप्यूटर जैसे आधुनिक विषयों का भी अध्ययन कराया जाता है। विद्यालय में निःशुल्क आवासीय शिक्षण के साथ भोजन तथा निःशुल्क चिकित्सालय का संचालन भी किया जाता है। विद्यालय में प्रवेश पाने हेतु आज ही संपर्क करें। प्रवेश कक्षा 6, 7, 8, 9 तथा कक्षा 11 में किए जा रहे हैं। मधकोट ग्राम सभा जोशी से गांधीनगर 3 किलोमीटर मोटर मार्ग की हालत बहुत दयनीय है। लोनीवी को मोटर मार्ग की दयनीय हालत की सूचना भेजी गई है। प्रधान जोशी गांधीनगर राजेश रोशन ने कहा कि विभाग ने पूर्व में स्थलीय निरीक्षण कर सड़क को ठीक करने का आश्वासन दिया, लेकिन कोई सुध नहीं ली। उन्होंने चेतावनी दी कि अब ग्रामीणों के साथ आंदोलन किया जाएगा। सीओ एसटीएफ सुमित पांडे के नेतृत्व में उत्तराखंड एसटीएफ वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो दिल्ली व तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी की एसओजी की संयुक्त टीम ने कल रात्रि खटीमा क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए 4 शातिर वनजीव तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से एक बाघ की खाल व करीब 15 किलोग्राम बाघ की हड्डी बरामद की। गिरफ्तार चारों तस्कर जनपद पिथौरागढ़ स्थित धारचूला के रहने वाले हैं और लंबे समय से वनजीव अंगों की तस्करी में लिप्त थे। गिरफ्तार आरोपियों में कृष्ण कुमार निवासी ग्राम बगीचा, गजेंद्र सिंह संजय कुमार, हरीश कुमार निवासी गोठी कालिका धारचूला भी शामिल रहे। हमारी ऑटोक्राफ्ट डिजाइनिंग टीम ने ट्रेडिशनल डिजाइन और नवीनतम ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए सोने, चांदी, नवरत्न और डायमंड के आकर्षक आभूषण तैयार किए हैं। आदर्श तकनीक के साथ हाथ से बने 100% हॉलमार्क ज्वेलरी की विस्तृत वैरायटी और विशाल रेंज एवं राशि के नगीने भी उपलब्ध। आज ही प्रतिष्ठान में आकर गोल्ड व डायमंड की विशाल रेंज देखें। गोविंद लाल सुरेश लाल चौधरी 1962 से आभूषण निर्माता, पुरानी बाजार पिथौरागढ़। बड़ाबे के ग्राम प्रधान तारा जोशी ने जिला पंचायत राज अधिकारी पिथौरागढ़ को पत्र भेजा है। पत्र में ग्राम पंचायत की आम बैठक के संबंध में तैयार रोस्टर पर आपत्ति जताई है। कहा है कि कुछ शरारती तत्व गांव का माहौल खराब कर रहे हैं। उन्होंने पूर्व हुई बैठक में भी कहा कि अभी भी शरारती तत्व गांव में अराजकता का माहौल बना रहे हैं, जिसकी सूचना पत्र के माध्यम से दी गई, लेकिन कोई सहयोग नहीं मिला। कहा है कि जब तक गांव का माहौल ठीक नहीं हो जाता, तब तक बैठक कर पाना संभव नहीं है। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में विस्तार से पढ़ने के लिए अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।